स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चांदनी चौक से विधायक कलकल अहमद जी। मैम ये बताइए, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। निर्भया के बाद से चर्चा है, निर्भया फंड का इस्तेमाल हो, सीसीटीवी कैमराज लगे जाएं, पुलिस में महिला पुलिस की भर्ती की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित की जाए जहां पर न्याय मिल सके। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में, आज मैं कोटा में आई हूं तो मैंने देखा है कि एक बीजेपी का पुरुष विधायक बीजेपी की महिला विधायक को किस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो ये दिखता है कि भाजपा के अंदर चाल चरित्र चेहरा महिलाओं के प्रति जो है कहने को कुछ, दिखाने को कुछ है। आपने कुलदीप सिंह सेंगर देखा, अपने भाजपा के जो है उन्नाव से विधायक किस तरीके से एक रेप के आरोप में अभी सीबीआई ने उनको जो है अरेस्ट किया है। तो मैं ये कहूँगी कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ करना चाहती है और हम कल लोग दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का जो है प्रस्ताव को लेकर एलजी साहब को मिलने भी जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राजस्थान में सरकार आएगी तो हम एडी चोटी का जोर लगा के पूरे हर वो संभव प्रयास करेंगे जिससे हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएँ राजस्थान की सुरक्षित हो। एक सवाल और, कोटा इंडस्ट्री मानी जाती है कोचिंग की, यहाँ पे आए दिन स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, सरकार की कोई निगाह नहीं है, कोई नज़र नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है तो IIT और AIEEE और एम्स के स्टूडेंट इसे सुसाइड कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए देखिए बिल्कुल इस कारणों को जानना होगा कि छात्र क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्या किस बात का डिप्रेशन में है या क्या ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज हमें जो समझ में आता है कि काफ़ी बच्चे जो अपने घरों से यहाँ पर आकर रहना, खाना पीना और माँ बाप के पैसे से कोचिंग ले रहे होते हैं, और बहुत बार देखना जाता है कि SSC के एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम में हेरा फेरी हो जाती है, बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है और वो डिप्रेशन में जाकर इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार अगर आती है तो यकीनन हम इसकी गहराई में जाकर इसका हल जरूर खोजने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आज की मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीडिया को मैं ये कहूँगी कि आप हमारे चौथे स्तंभ हैं और आपको बिल्कुल बिना डरे निष्पक्षता से सच्ची खबर दिखानी होगी और मुद्दों से भटकाना नहीं होगा। बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि मीडिया मुद्दों से भटका देता है, असल मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, महंगाई और इस तरह के मुद्दे हैं किसानों से, लेकिन मीडिया चर्चा उन मुद्दों पर करता है जिससे अहम मुद्दों से भटके। मैं मीडिया से उम्मीद करूँगी आप जनता को बताइए उसके असली मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होकर नेताओं को जवाब देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अलका लाबमा जी ने राजस्थान में आने वाली कई सारी समस्याओं के बारे में हमसे चर्चा की। धन्यवाद।